हेलो बच्चों, आई एम सचिन अग्निहोत्री, फिजिक्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात करने वाले हैं NIT वारंगल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल के बारे में, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है, हैदराबाद के पास में है, हैदराबाद के ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स के आसपास है। और NIT जो वारंगल है वो अपने पास NITs की रैंकिंग में थर्ड पे आता है, कभी ऊपर नहीं चला जाता, थर्ड फोर्थ ना, तो थर्ड पे अपने पास आता है। और अगर NIRF की रैंकिंग देखें तो वो 2021 के आसपास आता है, ठीक है, उससे अपन को कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक। तो अपने पास सीधे अपन चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो ये इसका फ्रंट पेज वेबसाइट का, ठीक है, NIT वारंगल। और अपने पास यहाँ पे अपन इसको ऑन कर लेते हैं पेन को। तो NIT अपने पास हो गया वारंगल, ठीक। अब यहाँ पे कितनी क्लोजिंग रैंक होगी, है ना, कितनी अपने पास ओपनिंग रैंक से तो कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग रैंक से ज़्यादा मतलब है अपने पास, ठीक है। और अपने पास हॉस्टल कैसे हैं, कैंटीन कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, और स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट वेलफेयर्स के अंदर क्या क्या है, स्पोर्ट्स, है ना, और वो सब कुछ, प्लेसमेंट कैसे हैं और पैकेजेस कैसे हैं, ठीक है, वो सब कुछ अपन वन बाई वन डिस्कस करना चालू करते हैं। ये जो NIT वारंगल है ये ऑलमोस्ट 250 एकर्स के अंदर अपने पास बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स की, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से। तो अपन सबसे पहले चलते हैं क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक पे, ठीक है, जो कि लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब शायद ये अपने पास 2020 की है, ठीक है ना, 21 की भी नहीं है, ठीक है, 21 की शायद अपलोडेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं 2020 के हिसाब से, 2020 की देख लेंगे और 2019 की देख लेंगे तो अपन को ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो रैंकिंग में है, सबसे पहले अपने पास ओपन कैटेगरी के लिए है ना जनरल रैंक। तो ओपन कैटेगरी में अपने पास जो कंप्यूटर साइंस है वो अपने पास होम स्टेट के लिए 1200 से और 3500 तक इसके आसपास है, ठीक है ना। और यहीं से चालू कर लेते हैं अपन, चलो सिविल इंजीनियरिंग में अपने पास है 2000 से लेके 20000 तक, काफ़ी अच्छी रेंज है, है ना। और ये मतलब सारे राउंड के बाद की है ये, है ना, लास्ट फाइनल राउंड जो होगा उसके बाद में अपने पास लास्ट रैंकर कौन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास है 5800 से लेके 10000 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों इंक्लूडेड है इसमें। मैकेनिकल में अपने पास है 5400 से लेके 23158, है ना, और 3000 से 7000 ये अपने पास रैंकिंग अपन देख सकते हैं। मेटलर्जी में आपको काफ़ी अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाती है, और मेटलर्जी में अपने पास प्लेसमेंट कैसे होंगे वो भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। मेटलर्जी में अपने पास रैंकिंग भी, रैंकिंग की रेंज काफ़ी ब्रॉड है, है ना, और मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि अदर स्टेट के लिए जो रैंकिंग है वो 30000 वाला जो बंदा है उसको भी मेटलर्जी मिल रही है, और मेटलर्जी में प्लेसमेंट कितने परसेंट है और एवरेज कितना है और मैक्सिमम कितना है वो अपन आगे देखेंगे, है ना। और केमिकल में भी अपन अपने पास देखो 20000 तक है। तो यहाँ पे केमिकल और सिविल ऑलमोस्ट शायद सेम है, यहाँ पे सिविल जो है ये होम स्टेट के लिए है, और अगर मैं अदर स्टेट के लिए देखूँ सिविल तो ये अपने पास है 26715 तक, ठीक है ना, अदर स्टेट्स के लिए। और यहाँ पे CSE है, ये अदर स्टेट में बहुत जल्दी क्लोज हो जा रही है, ठीक है, और CSE तो जनरली क्लोज हो ही जाती है ना अच्छी NITs में। और ये अपने पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में अच्छी खासी रेंज है, आप यहाँ पे देख सकते हो 31921 अदर स्टेट्स के लिए, अगर होम स्टेट के लिए देखें तो 35000 तक आराम से, ठीक है, है ना। और यहाँ पे अपने पास EWS कैटेगरी है और ओपन स्टेट सॉरी अदर स्टेट और होम स्टेट के लिए दोनों के लिए अपने पास EWS कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे NIT वारंगल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ गिवन है, है ना, स्टूडेंट्स के लिए कैंपस भी बहुत अच्छा खासा है, ग्रीनरी भी अच्छी है ना, और भी अच्छे अपन फीचर्स डिस्कस करेंगे इसके, है ना।
तो अपने पास ये तो हो गया बात ओपन कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी में जो PW हैं, ठीक है, उनके अपने पास फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो उनकी अपने पास इस तरीके से रैंकिंग है। ठीक, आप अगर मिनिमम रैंकिंग देखना चाह रहे हैं, अपन अगर बात करना चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं और मेटलर्जी में देख सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखना है तो ये भी बहुत जल्दी क्लोज हो जा रही है, ठीक है, लाइक कंप्यूटर साइंस, मतलब ये तो अपने पास प्रायोरिटी पर रहेगी रहेगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE। ठीक, तो ये अपने पास सारी रैंकिंग्स हैं, ST की, SC की, है ना, हर एक रैंकिंग है। अगर मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा रैंकिंग देखूँ तो अपने पास कौन सी सबसे ज़्यादा रैंकिंग हो सकती है, यहाँ पे देखो 180,000 भी है, यहाँ पे 180,104, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग में SC, और ये है SC, ठीक है ना, और कैटेगरी रैंक है, यहाँ पे PWD भी नहीं है। अगर PWD देखोगे तो आप यहाँ पे देखो 6,00,000 तक भी जा रहा है ना, तो वो अपन को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड में तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपन जैसे SC और ST में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रैंक है, रेंज में यहाँ पे 1,71,000 भी है मेटलर्जी के अंदर, है ना, तो इतनी रेंज तक आप NIT वारंगल में जा सकते हो, ठीक है ना, अगर आप कैटेगरी से हो तो। ठीक है, सिमिलरली अपन देख सकते हैं जो 19 में थी वो क्लोजिंग रैंक अपने पास कहाँ से कहाँ तक थी, है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का है, और 19 में अगर अपन देखें तो 19 में ऑलमोस्ट सेम ही है, ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं मेटलर्जी का देखूँ तो ये ओपन कैटेगरी में अदर स्टेट्स में अपने पास है 30,000 के आसपास, उसमें भी इसी के आसपास थे 32,000, और यहाँ पे होम स्टेट में अगर मैं देखूँ तो अपने पास यहाँ पे है 26,531, ठीक है ना, और होम स्टेट अपने पास यहाँ पे मेटलर्जी है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है 3,28,000, बहुत है ना, बहुत ज़्यादा है। और OBC कैटेगरी, OBC, PWD, SC, ST, ठीक है ना, ये सारी रैंकिंग्स हैं, उसमें अपने पास जैसे 1,71,000 थी तो यहाँ पे भी अपने पास कितनी है, देखो 1,10,000 तो यहाँ पे भी है, है ना, 1,97,000, तो ये तो अपने पास इसकी होगी PWD की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो 35,000 है, और तो अपने पास मतलब SC, ST, OBC कैटेगरी वाइज अगर आप रैंकिंग देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल ही जाता है। ठीक है, तो अपन ओपन कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी 30,000 रैंक है तो भी आप मेटलर्जी के लिए सोच सकते हो, है ना, भले ही फाइनल राउंड लास्ट राउंड में मिले लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा। ठीक, और CSE में अगर अपन देखें तो CSE तो देखो बहुत जल्दी क्लोज हो रही है यहाँ पे, है ना, सिमिलरली EC भी बहुत जल्दी क्लोज हो रही है, 10,000 के नीचे नीचे ही क्लोज हो रही है, देखो, है ना, यहाँ पे बस एक 10,000 है और जो भी है होम स्टेट EWS का है, है ना, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज हैं जिसके थ्रू मतलब JEE मेन के थ्रू जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अपने पास ये BTech 4 ईयर का प्रोग्राम है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है यहाँ पे, है ना, मतलब सेलेक्टेड ब्रांचेज हैं जिनमें से ज़्यादातर कोर ब्रांचेज हैं अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पे, है ना, कितना फ़ीस लगेगा। तो फ़ी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो फ़ी स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लगा यहाँ पे कि जो फ़ीस है ना वो ऑलमोस्ट हर एक NIT की मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, अपने पास केवल ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सर्टिफाइड दैट ईयरली फी पेबल बाई स्टूडेंट स्टडिंग BTech फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर कोर्सेज एट द इंस्टीट्यूट एज फॉलोज। ये अपने पास 19 और 2020 की है। ठीक, तो ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पास एडमिशन जब अपन कराते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, है ना, उसके लिए अलग अलग फ़ीस का अलग अलग अमाउंट एडअप हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें जैसे ट्यूशन फीस है, जो ट्यूशन फीस है ना वो तो अपने पास सब में सेम है, देखो हर एक सेमेस्टर में, है ना, जैसे 32,000 है। अब ये अदर मेंटेनेंस चार्जेज हो गए, जैसे अपने पास जब अपन जाते हैं तो सिक्योरिटी फीस वगैरह भी लेते हैं, बहुत सारी मतलब छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, वो कुल मिला के अपने पास ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 32,000 के आसपास बन जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को 94,500 इतनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, सेकेंड सेमेस्टर में वही 62,500, फिर 70,000, फिर 62,500, 70, 62,500, 70 और 62,500, इस तरीके से अपन को
ये फीस डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करते हो तो टोटल अपने पास लगभग लगभग आ जाता है ये 5,54,000 और 500 के आसपास, ये अमाउंट 4 साल का बैठ जाता है। ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल फीस वगैरह वो सब कुछ अलग है, और बाकी जो अपने पास खर्चे होते हैं छोटे मोटे वो अलग है। ऑलमोस्ट 10,000 पर मंथ के हिसाब से, 10,000 to 12,000 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। हो सकता है 15,000 भी हो सके, अदर जो एक्सपेंसेस होंगे एक्सेप्ट ट्यूशन फीस, है ना, पर मंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और अगर आप गलत गतिविधियों में फंस जाते हो फिर तो 10-15,000 भी कम पड़ेंगे, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से आप खर्चा ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मोटा मोटा भी लगाएं तो 12 अपने पास कितने हो जाते हैं, 144, और 144 का अपने पास 14 x 28 और 28 x 56, मतलब लगभग अपने पास 12 से 13 लाख रुपए में आपके पास 4 साल की पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग हो जाती है, ठीक है, वारंगल में, ठीक। तो यहाँ पे एक स्पेशल जो चीज़ है जो कुछ एनआईटीज में ही है, ठीक है, वो अपने पास है कि यहाँ पे जो EWS कैटेगरी वाले हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी इनकम, जिनके फैमिली की इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है, उनके लिए अलग फीस है, देखो, है ना। उनके लिए जो फीस है वो अपने पास देखो 20,833 रुपये, 20,833 केवल ट्यूशन फीस है, वहाँ पे कहीं 62,000 थी, है ना, यहाँ पे 20,000 है, लगभग 40 से 42,000 के आसपास का फ़ायदा है यहाँ पे। और ये जो अदर चार्जेज है 32,000, ये तो एक इनिशियल अमाउंट है, ये तो लगेगा ही लगेगा सबका। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट, 8 सेमेस्टर, मतलब बाकी सारे सेमेस्टर के लिए और कोई भी खर्चा नहीं है। ये जो 7500 अमाउंट जो इसमें अदर चार्जेस लगा रहे हैं ना, वो इसमें बस केवल एडअप हो रहा है, है ना। अब ये एडअप जो है, हो सकता है जैसे टेस्ट वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना, तो उसको एडअप करके बताया है। इनकम बिटवीन 1 to 5 लाख, अगर मैं इसका समेशन देखूँ, है ना, अगर मैं इसका टोटल करके देखूँ तो ये जो टोटल है वो अपने पास लगभग आ जाता है 2,21,164 इसके आसपास अपने पास अमाउंट बैठ जाता है, मतलब उससे आधे से भी कम, है ना। तो ये अपने पास ट्यूशन फीस है, जो तो लगेगी लगेगी। अब जो हॉस्टल का खर्चा होगा वो तो लगभग सबका सेम ही होता है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे अपन को रिबेट मिल जाती है। अगर इकोनॉमिकली वीकर क्लास वाला बच्चा है, 1 to 5 लाख इनकम है, तो वो लगभग आप मान के चलो कि 8 से 9 लाख रुपए में उसकी कंप्लीट इंजीनियरिंग हो जाती है, ठीक है ना, अगर मैं सारे खर्चे एडअप कर लूँ तो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, ये सबके लिए है, है ना, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें सबके लिए अपने पास EWS कैटेगरी के लिए अलग फीस है, ठीक। आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह किस तरीके से हो गए हैं, ठीक है, 2 ईयर के देखेंगे अपन, ठीक है। एक तो लेटेस्ट देख लेते हैं जो कि अपने पास लास्ट ईयर का है, मतलब जो भी लेटेस्ट है, ठीक है ना। अब ये अपन को जो गिवन है डेटा, ये 2021 का है, ठीक है ना, और जो 21-22 का है, जो अभी लेटेस्ट वाला, वो अभी पब्लिश नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, उन्होंने बनाया नहीं होगा, और अभी करंटली शायद प्लेसमेंट वगैरह चल भी रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो सिविल इंजीनियरिंग है, अपन को केवल बीटेक वाला पोर्शन देखना है, ठीक है ना। कितने प्लेस हुए, 56, कितने में से प्लेस हुए ये नहीं पता, है ना, 56 प्लेस हुए, मैक्सिमम कितना, 15 लाख, 15 लाख पर एनम, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज अपने पास है 8.06, ठीक। यहाँ पे अपने पास परसेंटेज भी नहीं गिवन है कि कितने परसेंट अपने पास प्लेसमेंट हुए, लास्ट के कुछ इयर्स में अपन को परसेंटेज में गिवन है, वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 94 प्लेसमेंट हुए, मैक्सिमम है 51 लाख पर एनम, ठीक है, और एवरेज अपने पास 15.38 लाख पर एनम, ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 94 है और 25.8 मैक्सिमम है और 9.02 एवरेज है, ठीक है। और अगर अपन मेटलर्जी का देखें, है ना, जिनकी मतलब 30,000 के आसपास रैंक है, है ना, उसके बारे में अगर अपन सोचें तो देखो 43 को प्लेसमेंट मिला है, 15 लाख मैक्सिमम है और 8.63 जो है वो अपने पास एवरेज है,
ठीक है ना, मेटलर्जी में अगर आपकी 30,000 रैंक आती है तो ठीक। केमिकल इंजीनियरिंग में ये भी अपने पास मेटलर्जी के इक्वलेंटी, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें ना, रैंक में 73 को प्लेसमेंट मिला है, मैक्सिमम देखो 46.0 है ना। तो यू कैन बी वन ऑफ देम है ना, इफ यू हैव योर रैंक इन बिटवीन। यहाँ पे सॉरी ऊपर वाला आएगा ना, ये वाला 9.87 है ना। और अपने पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का अगर अपन देखें तो 118 बच्चे, उनमें से मैक्सिमम है 43.0। कंप्यूटर साइंस में भी मतलब होना ही चाहिए इतना तो एटलीस्ट ना, ये तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। यहाँ पे है 20.02। ये अपने पास ये जो फैक्टर है ना एवरेज वाला, ये मैटर करता है ठीक है ना। एवरेज अपने पास कितना है 20.02, यहाँ पे एवरेज सबका कम है ना। अगर अपन एक इलेक्ट्रॉनिक्स को और कंप्यूटर साइंस को देखें तो इन दोनों का ठीक है, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नीचे वाला है, सॉरी है ना, सॉरी ऊपर वाला ये वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैकेनिकल में 9 है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वलेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वलेंट है ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास है 15 और यहाँ पे है 14.5 ठीक। तो ये तो अपने पास है 2021 का, अगर मैं इससे लास्ट ईयर का देखूँ तो प्लेसमेंट जो है वो अपने पास ये है 1920 के है ना। तो ये 19-20 के हैं, तो 19-20 में अपने पास देखो यहाँ पे अपन को गिवन है एलिजिबल कितने हैं और कितने प्लेस हुए ठीक है ना। यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, जैसे अपन सिविल के बारे में बात करें तो सिविल में 115 में से 86 एलिजिबल थे, और 86 में से कितने प्लेस हो गए 52, तो ये अपने पास हो गया लगभग लगभग 70% के आसपास है ना। तो 70 यस है ना, 7×5=35, और अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 70%, हाँ मतलब जो भी परसेंटेज बनेगा वो। और ये अपने पास मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 18 लाख, और एवरेज है 6.71, अभी ज़्यादा है मतलब लेटेस्ट वाले में ज़्यादा है। और यहाँ पे अपने पास है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो दैट इज 100 प्लेस्ड आउट ऑफ 110, तो ऑलमोस्ट ये तो 90+ हो गया है ना। तो 90+ प्लेसमेंट है यहाँ से, और मैक्सिमम अपने पास कितना है यहाँ पे 43.31 ठीक है। और एवरेज यहाँ पे ठीक ठाक एवरेज है 10.49। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने पास 102 में से 103 में से 92, ये भी ऑलमोस्ट 90+ हो गया ठीक है ना। और यहाँ पे है ये 22 लाख पर एनम, और एवरेज हो गया 8.76। और अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें और कंप्यूटर साइंस का देखें, और कंप्यूटर साइंस में देखो अपने पास 118 में से 110 बच्चे हैं ना, 110 बच्चे अपने पास प्लेस्ड हुए, और ये हो गया 95% से भी ज़्यादा। और मैक्सिमम कितना आया है अपने पास 43.3%, और एवरेज अपने पास 20+ 21.96, मतलब 22 लाख पर एनम हो गया, एवरेज है ये कंप्यूटर साइंस का ठीक है, दैट इज़ वेरी डिसेंट। और बायोटेक की अगर अपन बात करें है ना, बायोटेक में अपने पास रेंज अपन ने कितनी देखी थी, लगभग ओपन कैटेगरी में अपन ने देखी थी 30,000 के आसपास है ना, 30 से 35,000 के आसपास जो रैंक है। 38 में से कितने प्लेस हो गए 25, ये भी अपने पास लगभग लगभग 90 से ऊपर ही हो गया है ना, या फिर 90 के आसपास हो गया, या 85 के आसपास जो भी है ना। और यहाँ पे अपने पास 16.93 इज़ अ मैक्सिमम एंड 7.8 इज़ एवरेज ठीक है, ये भी एक ठीक ठाक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है ना। तो अपने पास अगर आप 30,000 के आसपास आपकी रैंक आ रही है या फिर 25 के आसपास आ रही है, तो उसके हिसाब से आप रैंकिंग देख सकते हो है ना। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 90% के आसपास है सबके ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, और अपन देखते हैं अभी जो कंपनीज यहाँ पे जॉब देने के लिए आती है, कौन कौन सी कंपनीज आई है। तो अपने पास 17 और 18 का डेटा अवेलेबल है ठीक है, 17 18 के बाद अपने पास डेटा है नहीं, तो अपन इसकी बात भी नहीं कर पाएंगे ठीक है ना। तो अब इन कंपनीज के अंदर मान लो 5-6 कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो ये कंपनीज हैं जिसमें अमेजोन बड़ी बड़ी काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, आकाश है ना, आदित्य बिड़ला है, अब तो खैर आकाश बायजूस के साथ मिल गया है, असेंचर है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे देखो
यू कैन सी दिस, अवंती है, भारत पेट्रोलियम है, बेजी मेलन, बैंक ऑफ अमेरिका, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे देखो, काफ़ी नॉन कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डी है, फोर्ड है, एचपी है, इंफोसिस, इंटेल, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, आईटीसी है, जीओबी है, एलएनटी है, दिस मच ऑफ कंपनीज हैड विजिटेड एट वारंगल सेंटर, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ओला वगैरह है, ओरेकल है ना, नेस्ले है, माइक्रोसॉफ्ट, देखो माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो बुराव आईआईटी एकेडमी, ये तो मतलब अपने पास ऐसे ही है ना, इंडियन ऑयल है, देखो काफ़ी सारी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, यू कैन सी ऑल ऑफ देम, यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन सी ऑल द कंपनीज। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब यहाँ का अगर आप कैंपस विजिट करना है ना, या फिर अपन को जैसे हॉस्टल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में अगर अपन को देखना है, ठीक है, तो वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये अपने पास मेन पेज है, ठीक, ये इसकी एक ओवरव्यू है अपने पास, मतलब बाहर से बिल्डिंग का फोटोज़ है, ये इसकी मेन बिल्डिंग है जो चली गई है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं फैसिलिटीज़, ठीक है, फैसिलिटीज़ में आप अगर हॉस्टल्स देखना चाहो तो हॉस्टल्स में देखो अपने पास क्या क्या है, ये है हॉस्टल, अबाउट हॉस्टल, ये तो आप पढ़ सकते हो, मैसेज वगैरह कैसे हैं, है ना, और कब क्या मिलता है, ये अपने पास शेड्यूल होता है, ये तो फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह का शेड्यूल है, ये हॉस्टल का फीस है ना, अगर आप हॉस्टल का फीस देखना चाहो तो यहाँ से अपन फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखो 3 अगस्त 2022 को ये डाला गया है ना, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर फॉर यूजी एंड पीजी फर्स्ट ईयर ओल्ड सेमेस्टर, और ईयर है अपने पास 22 to 23। ऑनलाइन पेमेंट इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट एंड हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर फॉर दीज स्टूडेंट्स, तो अपने पास ये ओपन होके आ जाता है। चलो तो ये अपने पास फी स्ट्रक्चर है, देखो अगर अपन फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अपने पास फर्स्ट ईयर के बच्चे है ना, फर्स्ट ईयर में अपने पास बीटेक फर्स्ट ईयर में अपने पास एक रूम में 2 जने रहेंगे, सीएमडी एट द टाइम ऑफ द हॉस्टल एडमिशन 15,000 रुपये का है, और मेंटेनेंस चार्ज इतना है, सीट रेंट इतना है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इतना है, और टोटल अपने पास 28,000 रुपये है, ये साल भर का है, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ना, फीस स्ट्रक्चर फॉर द साल भर का नहीं है, 6 महीने का है, ओल्ड सेमेस्टर के लिए है ये, ठीक है ना। तो अपने पास बीटेक फर्स्ट ईयर लेडीज़ हॉस्टल ये, ठीक है, ये बॉयज़ हॉस्टल के लिए है, और तो लेडीज़ हॉस्टल में अपने पास बीटेक फर्स्ट ईयर यहाँ पे 2 या 3 है ना, एज पर देयर कन्वीनियंस 15,000, और ये वही सेम लगभग सेम अमाउंट है ना, शायद अपने पास ये अगर 3 जने रहेंगे तो सीट रेंट कम देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी कम देना पड़ेगा, और टोटल रेंट जो हो जाएगा वो भी अपने पास 2,000 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, एक बंदे का है ना। और यहाँ पे ये हॉस्टल का रेंट हो गया है, ठीक है, तो ये एक सेमेस्टर के लिए है, फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो हॉस्टल्स हैं वो अपने पास कितने हॉस्टल हैं यहाँ पे, है ना, हॉस्टल्स वगैरह ये है बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स, ये अपने पास नंबर ऑफ रूम है, और ये नाम है सारे बॉयज़ हॉस्टल का, और ये ऑक्यूपेंसी है कि मतलब कितनी कैपेसिटी है अपने पास, है ना, बच्चों की। और यहाँ पे अपने पास गर्ल्स हॉस्टल वाला है, गर्ल्स हॉस्टल में अपने पास 5 हॉस्टल हैं, सबके नाम हैं, सरोजनी हॉल है ना, न्यू लेडीज़ हॉस्टल भी, ये सब कुछ, और ये अपने पास ये सीट कैपेसिटी है कि कितने अपने पास लोग रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये अपने पास हॉस्टल है, यहाँ पे अगर मैं बॉयज़ हॉस्टल देखूँ तो कितने हो जाते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब ये बॉयज़ हॉस्टल के नाम से 17 के आसपास 16, 17 हॉस्टल हैं, और यहाँ पे 5 हॉस्टल जो है अपने पास गर्ल्स हॉस्टल वाले हैं, ठीक। तो ये अपने पास मैस वगैरह आप देख सकते हो, मैस वन अपने पास ये नाम है, है ना, मैस वन में अपने पास जो सुपरवाइज़र है और वार्डन है ना, उसके मैस टू के लिए अपने पास ये है, ठीक। और अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर अपन स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात करें, है ना, कि स्पोर्ट्स में अपने पास क्या क्या है,
लाइब्रेरी अगर आप देखना चाहें तो लाइब्रेरी भी अपन विजिट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में अपने पास ये मेंबरशिप वगैरह का है, सर्विसेज कौन कौन सी होंगी उसके अंदर, ठीक है। एक लाइब्रेरी का यहाँ पे एक फ़ोटो भी था, फ़ोटो शायद गायब हो गया ऐसे, है ना। ये लाइब्रेरियन सर हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक। और अपने पास स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में अगर अपन देखें कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है इसके अंदर, तो अपने पास स्टूडेंट वेलफेयर में अगर अपन जाते हैं तो क्लब वगैरह है, जैसे ये सारे हर एक मतलब ब्रांच के हिसाब से, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से एसोसिएशन बने हुए हैं। ये अपने पास क्लब है, तो क्लब में अपने पास डांस एंड ड्रामेटिक क्लब है, ठीक है, और लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब है, और म्यूज़िक क्लब है। मतलब जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फोटोग्राफी क्लब भी है, देखो क्विज क्लब है, ठीक है। ये तो कंपटीशन जैसा ही दिख रहा है कुछ। तो ये अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स हैं यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे देखना है, ये मतलब एपिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो चल रहे हैं या फिर कंप्लीट हो गए, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और SC ST सेल स्पेशल कैटेगरी के लिए अपने पास ये अलग अलग सेल्स बनाई गई हैं, है ना। तो SC ST है, और NCC और NSS भी है यहाँ पे। और स्पोर्ट्स में अगर अपन देखें तो स्पोर्ट्स में ये सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, ठीक है। यू कैन रीड सारे के सारे, हॉकी है, हैंडबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है ना। और ये सारे अपने पास फिजिकल डायरेक्टर्स हैं, ठीक। और यहाँ पे टेक्निकल एक फेस्ट होता है जिसका नाम है टेक्नोजोन, ठीक है। यहाँ पे हर एक कंट्री से भी आ सकता है, किसी कॉलेज से आ सकता है, जो भी टेक्निकल फेस्ट है, यू कैन रीड इट थरोली, ठीक है ना। तो अपने पास ये तो चीज़ें हो गई इसके बारे में मोटा मोटा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो जैसे अपन यहाँ पे रीचेबिलिटी की अगर बात करें तो कैसे यहाँ पे अपन पहुँच सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, तो वो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जो फ्लाइट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली वारंगल के आसपास तो कोई एयरपोर्ट है नहीं, डायरेक्टली कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट की हैदराबाद से, ठीक है। हैदराबाद से लगभग 160 किलोमीटर्स पे क्या है, वारंगल है, ठीक है। तो अगर आप बाई एयर जाना चाह रहे हो तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरोगे और वहाँ से या तो बस लोगे या फिर कुछ भी, कोई भी जो अपने पास कैब वगैरह है, 160 किलोमीटर्स अपने पास वहाँ से दूर है, टैक्सी ले सकते हो या फिर और कोई चीज़ आप ले सकते हो, है ना। बाई ट्रेन अगर बात करना चाहते हो तो बाई ट्रेन अपने पास कनेक्टिविटी ठीक ठाक है वारंगल से, किस किस के, देखो यहाँ से देखो, हैदराबाद चेन्नई, न्यू दिल्ली, है ना, चेन्नई कोलकाता रूट पे ही अपने पास ये वारंगल पड़ता है। और वारंगल जो है वो थोड़ा सा कोस्टल एरिया के पास में है, मतलब कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा वहाँ से, है ना। तो ये सब कुछ है। और बाई रोड अगर आप देखना चाहते हो तो बाई रोड भी मतलब साउथ से तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाई गई है, नॉर्थ से भी अपने पास यहाँ पे कनेक्टिविटी, हैदराबाद की कनेक्टिविटी है, तो बाकी तो कनेक्टिविटी ठीक ठाक ही होगी, है ना। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट कोई एयरपोर्ट नहीं है, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रीचेबिलिटी है। और अपन बात करें अगर, अब देखो इसका एक बहुत अच्छा सा इसमें एक फीचर दे रखा है ना, वेबसाइट पे ही है, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, है ना। ये स्टूडेंट पोर्टल है, फैकल्टी पोर्टल है, ERP है और ICT एकेडमी है। और यहाँ पे ये वर्चुअल टूर का है ना, इसको अपन लास्ट में देखेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशंस हैं, जो कि बार मतलब टाइम टाइम पे अपनी यहाँ पे अपलोड करते जाते हैं ये NIT वारंगल के लिए। और यहाँ पे आप प्लेसमेंट देख सकते हो 21 के, 20 के, 19 के और 18 के, 2 साल के तो अपन ने देखे हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो आप मैक्सिमम 45 लाख है 19 में, और आप 18 का भी देख सकते हो 39 लाख पर एनम, ठीक बात है ना। तो यहाँ से अगर आप वर्चुअल टूर करना चाहते हैं कि भाई कैसा दिखता है, ग्रीनरी वगैरह कैसा है, तो वो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एंटर करते हैं अपन, तो ये आपको ले चलता है कैमरे वगैरह के हिसाब से, है ना। ये वेबसाइट का फीचर बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना, आप खुद भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया हुआ है, पोल्स के ऊपर बहुत सारे कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये एरो बनाया हुआ है ना, तो ये भी एक शायद हो सकता है उनका प्रोजेक्ट रहा हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे को ना इधर जाना है, तो मैं इसको इस एरो को प्रेस करूँगा, तो इस एरो की तरफ जो भी कैमरा होगा, है ना, जो भी पोल पे कैमरा होगा वो यहाँ पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखो आसपास आपको लैग भी दिख रही है, मैं जो बंद कर देता हूँ,
लेक है, है ना, ये देखो पानी भरा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और ठीक ठाक ग्रीनरी है, ये मेन रोड है ना, हाईवे लग रहा है, और ये इसका मेन गेट है। अगर जैसे अपन अंदर जाना चाहते हैं तो एरो को प्रेस करते हैं अपन, ये अंदर चले जाएंगे, दैट इज़ द एंट्रेंस। और अंदर चलना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन जी चले जाते हैं। अब ये चार एरो है, मतलब आप किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो अपन वहाँ जाना चाह रहे हैं, है ना, मेन बिल्डिंग में, तो ये अपन मेन बिल्डिंग में पहुँच गए, मेन बिल्डिंग एंट्रेंस, ठीक है। तो ये मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है, ठीक है। मे बी ड्रोन से लिया गया हो या फिर 360 डिग्री कैमरा से लिया गया हो फोटो, है ना। ये सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, है ना। ये जैसे आपने ये फील्ड दिख रहा है ना, अगर आप इसको देखना चाहो, ये फील्ड है, ग्रीनरी ठीक ठाक है, और पॉपुलेशन इधर है नहीं कुछ ज़्यादा, है ना, दो पहाड़ दिख रहे हैं, और जो पॉपुलेशन दिख रही है जो, वो इधर ही दिख रही है ना, इस तरफ बिल्डिंग्स है, मतलब थोड़ा सा साइड में आके है कॉलेज, है ना, 250 एकड़स में फैला हुआ है, यू कैन वॉच इट, है ना। ये फीचर बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है ना। इसमें आप हर एक बिल्डिंग को देख सकते हो, कैसे आप जाना चाहते, किधर जाना चाहते हो, इधर जाना चाहते हो तो ये आपको इधर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अपने पास यू कैन विजिट इट, है ना। तो ये अपने पास फीचर है, ठीक। तो ये अपने पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि अपन को रिक्वायर्ड है फॉर अपने चौसा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, कि अपन को ये वारंगल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इफ़ यू आर हैविंग 30,000 रैंक, 25, है ना, इस तरीके से। चलिए।